नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शाफनी भट्टनागर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले सभी पार्टियां अपने अपने तैयारियों में जुट गई है। वहीं दूसरी तरफ अकलतारा विधानसभा सीट राजा महाराजाओं के जमाने की राजनीतिक सीट रही है। महाराजाओं की राजनीति के अलावा भी यह सीट पूरे देश में अपने अनूठे रिकॉर्ड के लिए भी जानी जाती है, लेकिन मूलभूत सुविधाओं से लोग आज भी वंचित है। देखिए रिपोर्ट। जांजगीर चांपा जिले के अकलतारा विधानसभा सीट राजा महाराजाओं के जमाने की राजनीतिक सीट रही है। साल 1957 में जब इस सीट पर पहली बार चुनाव हुए तो क्षेत्र के राजा ठाकुर भुवन भास्कर सिंह ने 8132 वोट के भारी भरकम अंतर से जीत दर्ज की थी। महाराजाओं के राजनीति के अलावा भी ये सीट पूरे प्रदेश में अपने अनूठे रिकॉर्ड के लिए भी जानी जाती है। आपको बता दें कि साल 2018 में अकलतारा विधानसभा में मुकाबला त्रिकोणीय रहा। यहाँ तीन प्रमुख पार्टियों ने अपने उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे थे। तो पानी ले कहाँ है अब? पानी ले जाता नहीं, अब पास में तो पड़ते हैं, दूर पड़ते हैं। अरे पड़ोस में अरे बोर खना है, अपन अपन प्राइवेट किठन सरपंच बोल सक नहीं बोला महतारी बोल चुके हैं कई बार हजार रुपए तो क्या बोलते हैं बनाबो की बोलते हाँ नहीं बनाए तो चुनाव के बेरा आते कि नहीं आए चुनाव बेरा आते अभी मगर नहीं आए तो वही कहा था मैंने चुनाव बेरा तो आते बाकी दिन नहीं आओ मतलब बढ़िया ऐसे कही के लेके गए है मगर दोबारा नहीं आए तेरे बाद अभी सूचना दे रही क्या ही नहीं आई ऐसे कही के मगर बोला से गए गैस सिलेंडर नहीं मिले हमारा सरपंच बोले हैं हाँ बोले है आरी से खुद तगाई से आ ही गई के मगर अभी दोबारा बताए नहीं है स्कूल रोज आते गुरु जी का पढ़ाते गुरु जी मैडम इंग्लिश हिंदी गणित सड़क बने हैं तालाब आ गई है पानी नहीं मिला और खेती किसानी के तहत यहाँ सरकार कुछ योजना चलाते है कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं और ये बेरा में अभी चुनाव होने वाला है तो काल ही तो यह तुम्हें कांग्रेस भाजपा बहुजन पता ही नहीं है तो वोट डालता क्यों डाला मतलब सरपंच वाला में डाले नहीं डाले नहीं डाले पहली बार डाले नहीं तो कैसे मतलब कैसे सरकार चुनना चाहता था आपको कैसे रहे सरकार तुम होना तो कहा का समस्या गिलावन बताते हो आपको पानी के भादों के एकादशी एकादशी में का तिहार रही आज हमार पुरखा दिन के यहाँ भादों के एकादशी तिहार आज मनाए करमदार करमदार यहाँ कैसे मनाते हैं कौन देवता की पूजा होती है माँ करमदेव हमार पुरखा के देवता करमदेव के पूजा होते है करम सेनी हाँ आदिवासी समुदाय के की दो तेमा कैसे मना था कहाँ का बाजा राजा रथे बतावा तुम मांदर रथे झांझ मंजीरा रथे आप एक महिला अभी आप उनके गोद में नाम कर लेकर इसे तो ये मोहल्ला में आंगनबाड़ी हवा की नहीं है तो कहाँ रहते लड़का पढ़े पर आज छोटे लड़का दो तीन साल के रंगा जाते आते देखो मैं सरपंच लगा दूंगी बोले कि यहाँ अधूरा बने कैसा लग रहा अधूरा बने तो बोला का बनी सरपंच ला की हमारे यहाँ से आंगनबाड़ी खोला हम अपन लड़का वाला पढ़ाबो बारह में से ही के का बोलते हाँ बात करबो अपन क्षेत्र के अपन गांव के विकास के तो कहाँ का विकास हुए कहाँ का नहीं हुए बताओ पानी मिलते कि नहीं मिला पानी तो है एक तो रूट हो है
पानी मिल जाए 24 घंटा। और हॉस्पिटल हॉस्पिटल नहीं है हमारे यहाँ, तो लरिया तरिया होते है जैसे जंगल में अपन, तो कहाँ जाते इलाज कराए बार? इसमें बीजेपी और कांग्रेस के साथ ही बसपा ने दावेदारी से चुनाव लड़ा था। बीजेपी की ओर से पूर्व विधायक सौरभ सिंह मैदान में थे, वहीं कांग्रेस ने तत्कालीन विधायक चुन्नीलाल साहू को फिर से प्रत्याशी बनाया। साथ ही बसपा ने जोगी परिवार से रिचा रोगी को चुनावी मैदान में उतारा गया था। अकलतरा विधानसभा में साल 2018 के चुनाव में कुल 15,05,592 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। इन मतों में से सर्वाधिक 60,502 वोट बीजेपी के सौरभ सिंह को मिला था। 58,648 वोट के साथ रिचा जोगी दूसरे स्थान पर रही थी। वहीं तीसरे स्थान पर कांग्रेस के चुन्नीलाल रहे, जिन्हें 27,667 वोट मिले। इस तरह सौरभ सिंह अकलतरा विधानसभा से दूसरी बार विधायक चुने गए। कहाँ करम सेनी तोरे जाति जनमान, बंदा था करम सेनी कहाँ तैले अवतार हो, बंदा था करम सेनी बंदा करम सेनी बंदा था करम सेनी बंदा था करम सेनी तो एक बार रोजगार सहायक है सरपंच वाले बोलता कि नहीं बोला? हाँ नहीं तो बोले हन। कहाँ नहीं बोला? अबे दे बोलवो ना, बहुत जन के आ है बना थे, बहुत जन के अजी नहीं आ है। बात करवो अपन गांव के विकास के बारे में, तो यहाँ मनरेगा के काम बता होते कि नहीं हुए? यहाँ करम सैनी के गीते हाँ करम सैनी के गीते यहाँ बंदनी नेता नेता खान गीते हाँ नेता नेता खान बंदनी गीते करम सैनी के हाँ बिहार हो गए कई साल हो गए? पांच साल। पांच साल काबू तक काम करते हो? तो तबियत खराब ही का था अपन, इलाज रहा था अकलतरा। अकलतरा अकलतरा दूरी कतक पड़ी? बहुत दूर पड़ती। बहुत दूर मतलब याद नहीं है, बहुत दूर पड़ती। और यहाँ से जैसे अकलतरा जा सकते कहाँ जा सकते? बाइक में। यहाँ रोड बने कि नहीं बने? बने लेकिन आधा पूरा नहीं बने, कच्ची सड़क है, पूरा कीचड़ होते। ए पारा मतलब खो पा रहे हैं? डबल पा रहे हैं। धनवा समुदाय जंगल बीच में अपन हवा तो डर भी लगा था रात भी काल के? हाँ, लगते बहुत। का काफी डर लगता है? तो बात कर रहा अपन गांव के विकास के, तो यहाँ सरपंच अच्छे की नहीं आए? तो समस्या सुनाता हूँ मल्ला सुनाता, लेकिन आधा करते आधा मतलब का है? ये सब लोग समिति वाला मन करवाए हैं, सौरभ सिंह कर गए हैं 3-4-5 बार। सौरभ सिंह को नहीं विधायक आप क्षेत्र के जिले तो उन बने बुद्धा काम करते करवाते का बुद्धा काम कराए विधायक अपन दुए ठक हुई से दुए ठक तो गौठान तो सरकार बना थे बड़ नहीं सर। हाँ तो सरपंच करा अपन जाता कि नहीं जावा? का बोलते का बोलते वही काम ऐसे बोलते वही बस कथे की जो यहाँ आंगनबाड़ी कथे कन है? एक खंडी आंगनबाड़ी आधा पूरा सामान गिर गिरी से फिर भी होला लेगी। कौन हो लेगी अब पता नहीं, मैं पास में पानी मिलते कि नहीं मिला है बोरिंग ले? मिलते पर थोड़ा ज्यादा नहीं मिला है? हाँ। नहीं तो और मम्मी पापा काबू तक काम करते हैं? वो तक काम नहीं जाए सरपंच ला चिन्हिया है? हाँ। आते तुम मोहल्ला? नहीं आए।
अभी नहीं करे काबर नहीं आए और तुम्हारे मोहल्ला में आंगनबाड़ी हवा है तो छोटे छोटे लेकिन कहा थे आंगनबाड़ी पर कहूँ चले नहीं जाए। अकलतारा विधानसभा वनग्राम बाना की आश्रित गांव मिटमहुआ जहां पर धनुवार आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं यहां आज भी मूलभूत सुविधा नहीं मिल पा रही है। आंगनबाड़ी स्कूल सड़क हॉस्पिटल पानी अन्य सुविधा से वंचित है। केंद्र सरकार राज्य सरकार द्वारा कई योजना चलाई जा रही है पर कागज पर सीमित है। ग्राम सरपंच ने भी किसी प्रकार से धनुवार समुदाय के लोगों के हित के लिए काम नहीं किया जा रहा। ग्रामीणों को पीने के पानी की समस्या होती है साथ ही स्कूल जाने की समस्या होती है। स्कूल नहीं होने के कारण दूर गांव स्कूल जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। मुख्यमंत्री का प्रयास रहा है इस युवा पीढ़ी को ध्यान में रखकर ही तमाम विकास योजनाओं का विस्तार किया जाए जिससे प्रदेश की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई और छत्तीसगढ़ लगातार सबसे कम बेरोजगारी दर वाला राज्य बना है। छत्तीसगढ़ के नाम देश और दुनिया में होना चाहिए। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत 2 से 25 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि युवा अपनी योग्यता और कार्य क्षमता के अनुसार स्वयं का उद्योग स्थापित कर सके और राज्य की आर्थिक प्रगति में योगदान दे सके। तमाम योजनाओं के तहत विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया ताकि वे उद्योगों की जरूरत के मुताबिक कुशल हो सकें और बेहतर पारिश्रमिक वाला रोजगार हासिल कर सकें। मैंने CNC का कोर्स किया और मैं अभी 15,000 रुपये कमा रहा हूँ। कोर्स की फीस थी वो 65,000 रुपये थी लेकिन मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत ये कोर्स हमको निःशुल्क कराया गया। उद्यमिता एवं रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सभी निर्माण विभागों में स्नातक बेरोजगारों को पंजीयन की सुविधा दी गई। उन्हें लगातार काम मिल रहा है और उनके सपने हकीकत में बदल रहे हैं। अपने बेहतर कल की तैयारियों में लगे शिक्षित बेरोजगार युवाओं को प्रतिमाह 2,500 रुपए भत्ता दिया जा रहा है। इससे इन बेरोजगार युवाओं की अपने पालकों या दूसरों पर निर्भरता बहुत कम हो रही है। सरकार हमें बेरोजगारी भत्ता देती है 2,500 रुपए। व्यापम और लोक सेवा आयोग के जरिए मिलने वाली नौकरियों के लिए पारदर्शी व्यवस्था बनाकर समय पर परीक्षाएं करवाई ताकि युवाओं को लगातार नौकरी मिलती रहे। इन परीक्षाओं में स्थानीय प्रतिभागियों का परीक्षा शुल्क भी माफ किया गया। ये सब संभव हो पा रहा है क्योंकि प्रदेश में है भरोसे की सरकार। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा सांसद राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कानून बन गया है। आजादी के अमृतकाल में देश की आधी आबादी को उनका अधिकार देने के लिए धन्यवाद किया और कहा कि छत्तीसगढ़ को बेटियों की तरफ से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार। सभी बहनों और सभी बेटियों की ओर से मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने महिलाओं को नेतृत्व करने का मौका दिया। प्रधानमंत्री आवास बनाकर शौचालय बनाकर आत्मसम्मान से जीने का अधिकार दिया। तो नेतृत्व करने के मौके के साथ साथ उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता दी जनधन खाता खोलकर। आज प्रधानमंत्री जी छत्तीसगढ़ आ पा रहे हैं। हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं, आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि आपने 33% आरक्षण के साथ विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं को नया नेतृत्व करने का अवसर प्रदान किया।
कांग्रेस भरोसा यात्रा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सरगुजा संभाग के प्रभारी उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के साथ राष्ट्र महासचिव कांग्रेस पार्टी और छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी शैलजा सरगुजा संभाग पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को फूल अर्पण कर सर्किट हाउस पहुंची, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मिलकर भरोसा यात्रा की तैयारी का जायजा लिया, जिसके बाद कार्यक्रम में शिरकत किया। परेशानियाँ होंगी, कुछ दिक्कत होगी, कुछ समय का अभाव होगा और कुछ मौसम का साथ नहीं होगा, इसलिए आज हमारे बीच अभी सहयोग ही नहीं कर रहे हैं जी। विश्वास, एक ऐसा विश्वास कि जो कांग्रेस सरकार है वो दोबारा आए, इस चीज का विश्वास, इस चीज का विश्वास हम जनता को दिला रहे हैं। हम अपनी चर्चा से मुलाकात हमारी नहीं हो पाई, लेकिन इसके लिए हमारी पूरी महिलाएं और मैं, इसी महिला हमारी टीम निराश नहीं है, क्योंकि किसी कारणवश ये बारिश भी आ गई, जिसकी वजह से ये मौसम साफ नहीं था, नहीं तो यहाँ पे पूरी महिलाएं उनकी तैयारी की है बिल्कुल जोर शोर से। और ऐसा नहीं है कि आज हमारी मुलाकात नहीं हुई तो कल नहीं हुई, मुलाकात तो होना है, क्योंकि हम कांग्रेस टीम के सिपाही हैं, हम उनके साथ हैं। और बीजेपी ने जो परिवर्तन यात्रा किया है तो वो परिवर्तन किस लिए, क्या चाहती है बीजेपी, किसका परिवर्तन करना चाहती है, क्या अपनी सोच का परिवर्तन? और रही बात भविष्य की जो पदयात्रा है, निश्चित रूप से जिस प्रकार सरकार पब्लिक कांग्रेस पे भरोसा दिला के कांग्रेस को भारी बहुमत से जीत दिलाई थी, पुनः वो भरोसा हम पब्लिक के बीच लेना चाहते हैं और उसी विश्वास के साथ कांग्रेस पुनः एक सीट परचम लगाना चाहती है, इसी के कौन साथ रैली है कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा हम लोगों का यात्रा है जो निकला है, उसको बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हम लोगों ने यात्रा में। क्या इस सरकार वापसी करेगी? किस आधार पर कह सकते हैं कि वापसी करेगी? उसके आधार पर कह सकती हूँ, पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि जिस कांग्रेस ने जो जो वादे किए वो पूरे निभाए गए हैं। क्या लगता है कि कांग्रेस को जो निकाल रही है भरोसा यात्रा, कामयाब होगी पुनः सरकार बनाने में? चले यहां रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। छत्तीसगढ़ में आधे से ज्यादा आबादी युवा है। मुख्यमंत्री का प्रयास रहा है इस युवा पीढ़ी को ध्यान में रखकर ही तमाम विकास योजनाओं का विस्तार किया जाए, जिससे प्रदेश की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई और छत्तीसगढ़ लगातार सबसे कम बेरोजगारी दर वाला राज्य बना है। छत्तीसगढ़ का नाम देश उज्जवल होना चाहिए। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत 2 से 25 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि युवा अपनी योग्यता और कार्य क्षमता के अनुसार स्वयं का उद्योग स्थापित कर सके और राज्य की आर्थिक प्रगति में योगदान दे सके। तमाम योजनाओं के तहत विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, ताकि वे उद्योगों की जरूरत के मुताबिक कुशल हो सकें और बेहतर पारिश्रमिक वाला रोजगार हासिल कर सकें। मैंने CLC का कोर्स किया और मैं अभी 15,000 रुपये कमा रहा हूँ। कोर्स की फीस थी वो 65,000 रुपये थी, लेकिन मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत ये कोर्स हमको निःशुल्क कराया गया।
उद्यमिता एवं रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सभी निर्माण विभागों में स्नातक बेरोजगारों को पंजीयन की सुविधा दी गई। उन्हें लगातार काम मिल रहा है और उनके सपने हकीकत में बदल रहे हैं। अपने बेहतर कल की तैयारियों में लगे शिक्षित बेरोजगार युवाओं को प्रतिमाह 2,500 रुपए भत्ता दिया जा रहा है। इससे इन बेरोजगार युवाओं की अपने बालकों या दूसरों पर निर्भरता बहुत कम हो रही है। अब सरकार हमें बेरोजगारी भत्ता देती है 2,500 रुपए। व्यापम और लोक सेवा आयोग के जरिए मिलने वाली नौकरियों के लिए पारदर्शी व्यवस्था बनाकर समय पर परीक्षाएं करवाई ताकि युवाओं को लगातार नौकरी मिलती रहे। इन परीक्षाओं में स्थानीय प्रतिभागियों का परीक्षा शुल्क भी माफ किया गया। ये सब संभव हो पा रहा है क्योंकि प्रदेश में है भरोसे की सरकार। स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते खबर सख्ती से है, जहां आगामी में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए जनता को अपने पक्ष में करने के तरह तरह के चुनावी जोर आजमाइश में लगी हुई है। और इसी कड़ी में गांधी जयंती के मौके पर सख्ती विधानसभा में एक भव्य बाइक रैली का आयोजन किया गया था, जिसे डॉक्टर महंत ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रदेश भर में कांग्रेस एक दिवसीय विधानसभा स्तरीय कांग्रेस ने भरोसा यात्रा निकालकर सभी विधानसभा के गांव गांव तक पहुंची और राज्य सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं से जनता को अवगत कराया है, साथ ही पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार की कमियों को गिनाया। चुनाव के दौरान जो चुनाव अभियान शुरू किया है, उसका निर्णय था कि हम लोग के विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस भरोसा यात्रा निकाली है, क्योंकि पूरे छत्तीसगढ़ में किसानों ने, नौजवानों ने, माताओं ने, जनजाति ने, सबने कांग्रेस पर भरोसा दिया है। और उसके अनुसार पिछले बार जब चुनाव हुआ था उसके पूर्व राजीव जी, राहुल जी जब आए थे तब उन्होंने भरोसा दिलाया था, एक विश्वास दिलाया था कि जब भी सरकार बनेगी हम कांग्रेस की सरकार के द्वारा चावल धान की खरीदी 2,500 रुपये में करेंगे और किसानों को लाभ देंगे, मजदूरों को लाभ देंगे। जिले के बरमकेला में भारतीय जनता पार्टी के भाजपा नेता जगन्नाथ पाणिग्राही के नेतृत्व में पीडब्ल्यूडी विभाग की शव यात्रा रेस्ट हाउस से निकाली गई। भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा शव को अपने कंधे में उठाकर राम नाम सतह कहते हुए दफनाने के लिए ले जा रहे थे। उसी दरमियान भारी पुलिस बल डीएसपी मनीष कुंवर के नेतृत्व में अपने दलबल के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास पीडब्ल्यूडी विभाग के शव को अपने कब्जे में लेने के लिए रोक दिया, जहां पुलिस और भाजपा कार्यकर्ताओं में शव को लेने में झूमाझटकी हुई और उसके बाद पुलिस द्वारा पीडब्ल्यूडी विभाग के शव को अपने कब्जे में ले लिया गया था। वहीं भाजपा प्रदर्शन करते हुए सुभाष चौक से अटल चौक जैसे पहुंचे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने विरोध किया और इसी कारण भाजपा और कांग्रेस में जबरदस्त झड़प हो गई। और इसके बाद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में बरमकेला के कटंगपाली 17.50 करोड़ की लागत बनने वाली सड़क का विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। वहीं बीजेपी की तरफ से बस स्टैंड के आगे 2 मिनट का मौन रखा गया। आज बरमकेला से कटंगपाली मार्ग की जो है जर्जर हालत में है, लोगों को चलने के लिए बहुत आवागमन की असुविधा है, गाड़ी चलना मुश्किल दुभर हो जा रहा है। ऐसी स्थिति में हम लोग पीडब्ल्यूडी विभाग के जो है शव यात्रा निकाले थे और इस शव यात्रा जो है सांकेतिक था, पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा जबरन हमारा जो है इस यात्रा को जो है अवरुद्ध करने का प्रयास किया है और इस प्रकार से पुलिस भी उसके संरक्षण कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को दी है, जो बहुत ही निंदनीय है। हम तो सांकेतिक रूप से सरकार को जगाने के लिए और विभाग को जगाने के लिए ये यात्रा हम निकाले। हम लोग हमारे विधानसभा सारंगढ़ और रायगढ़ के मध्य बिजली वाली सड़क के लकड़ंगपाली सड़क का भूमि पूजन कर रहे हैं और कार्य बहुत जल्दी शुरू होगा। दूसरी तरफ भाजपा वाले शव यात्रा निकाल रहे हैं, इस विकास कार्य का विरोध कर रहे हैं। जनता देख रही है कांग्रेस विकास कार्य कर रही है और भाजपा उसका विरोध कर रही है। 17.50 करोड़ की लागत से सड़क पूरी हो
देखिए 2 अक्टूबर आज ब्रह्म किला चौक से रटनपाली तक का जो सड़क है जिसके निर्माण के लिए हमारे माननीय विधायक जो है सारंगढ़ विधायक और रायगढ़ विधायक के द्वारा यहाँ भूमिपूजन किया गया है ब्रह्म किला में, और इस दरमियान जो है बीजेपी के द्वारा सड़क की जर्जर स्थिति को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। शव यात्रा निकालने की कोशिश की गई, जिसे पुलिस द्वारा समझाने पर शव यात्रा कैंसिल किया गया और विरोध स्वरूप लोग सड़क पर यात्रा कर रहे हैं। इस वक्त मौजूद है भरम किला ब्लॉक मुख्यालय में, जहां भाजपा जो है पीडब्ल्यूडी विभाग की शव यात्रा निकाल रही थी। बताएंगे शव यात्रा आज निकाल रहे थे, बताएंगे शव यात्रा निकाले हैं हम। पीडब्ल्यूडी विभाग बची है ऐसा नहीं लगता, जो विश्वासपुर से लेकर भरम किला तक के सड़क की स्थिति है, पैदल चलना दूभर है, इसलिए प्रतीकात्मक रूप से शव यात्रा निकाले हैं, जिसमें पुलिस ने हमारे शव को छीन लिया और उसके बाद शांतिपूर्ण ढंग से हमारी रैली निकल रही थी। कांग्रेस के लोग विधायक के गुंडागर्दी में सामने खड़े होकर के गाड़ी की चाबी छीन लिए, गाड़ी के सामने खड़े होकर के गुंडागर्दी कर रहे हैं, पुलिस उनका सहयोग कर रही है, पुलिस उनको रोक नहीं रही है, पुलिस उनका सहयोग कर रही है, भारतीय जनता पार्टी वालों के साथ पुलिस पक्षपात कर रही है, इसलिए इसके विरोध में प्रबल जन आंदोलन हम प्रारंभ करेंगे। इन मुद्दों को लेकर के जो है शव यात्रा निकाला गया था, बताएंगे जो सड़क का स्थिति जर्जर है, गड्ढे घुटने भर से भी ज्यादा कमर भर तक के गड्ढे हैं, रास्ते में चलना दूभर है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी 3 बार इस सड़क के बारे में विरोध कर चुकी थी, उसके बाद भी सरकार नहीं चेती। भूमि पूजन केंद्र सरकार के से पैसा स्वीकृत हुआ है, उसका भूमि पूजन मुख्यमंत्री ने रामायण मेला में किया है रायगढ़ में, उसके भूमि पूजन के बाद आज दोनों विधायक फिर भूमि पूजन कर रहे हैं, समझ में नहीं आता एक काम का कितना भूमि पूजन करते हैं, मुख्यमंत्री बड़ा है कि विधायक बड़ा है, मुख्यमंत्री के भूमि पूजन के बाद दोबारा भूमि पूजन कर रहे हैं, ये सारे मुद्दे लेकर के हम हड़ताल में है, आंदोलन में है हमारा साथ। इस बुलेटिन में फिलहाल में इस तरह देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने हमारे साथ।